आज हमारा बायो का टॉपिक है लाइसोजोम एंड सेंट्रियोल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइसोजोम की। जैसा कि हमने पहले प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा कि प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल्स पे नहीं पाया जाता। इस तरह से जो लाइसोजोम ऑर्गेनेली है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है। ये ऑर्गेनेली प्लांट सेल में एब्सेंट है। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन रेनी डीडम। उसने 20th सेंचुरी में देखा कि सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं, मीनिंग इनकी बाउंड्री को कवर सिर्फ और सिर्फ एक मेम्ब्रेन कर रही है, दो मेम्ब्रेन कवर नहीं कर रही। और ये ऑर्गेनेलीज के पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। अब हमें भी पता है डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब ये होगा कि जो खाने को डाइजेस्ट करे या वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करे, उसकी ब्रेक डाउन करे। तो इसका फंक्शन जो है ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, ये खुराक को ब्रेक करना, तोड़ना और सेल को उसकी एनर्जी प्रोवाइड करना, ये फंक्शन है आपके लाइसोजोम का। अब लाइसोजोम करता क्या है? सबसे पहले लाइसोजोम कंबाइन करता है वैक्यूल के साथ, वैक्यूल प्लस लाइसोजोम, ये दोनों ज्वाइन करके उस टारगेट के ऊपर अटैक करेंगे जिस टारगेट की हमने डाइजेशन करवानी है, मीन के वो फूड मटेरियल, वो फूड पार्टिकल जिसने डाइजेस्ट होना है, ये उस जगह के ऊपर जाके अटैक करेगा अपने टारगेट पे। वैक्यूल के साथ मिल गए और दोनों मिल गए ही अपने टारगेट को ख़त्म करेंगे और उसको डाइजेस्ट कर देंगे और उस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड करके उसकी एनर्जी कंज्यूम कर लेंगे। ये था हमारा लाइसोजोम के बारे में। लेकिन अगर हम लोग बात करें आगे सेंट्रियोल्स की, तो सेंट्रियोल्स आपके पाइपलाइन पार्टिकल्स है, हालो पाइपलाइन, जो कि ट्रिपलेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब कि तीन पाइप मिलके एक ट्रिपलेट बनाते हैं और इसके टोटल होते हैं हमारे पास 9 ट्रिपलेट। इस जैसे हमारे पास 9 ट्रिपलेट सेल में पाए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रिपलेट्स हैं। अब अगर हम लोग इसके फंक्शन की तरफ आ जाए तो आप सेंट्रियोल्स लोकेट करता है नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल रिलाई करता है और दो सेंट्रियोल मिलके बनाते हैं सेंट्रोसोम। 2 सेंट्रियोल कंबाइंड टू फॉर्म सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का फंक्शन है बेटा आपके स्पिंडल फाइबर की प्रोडक्शन। ये आगे हमारा सेंट्रोसोम, प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या चीज है? स्पिंडल फाइबर्स जो है हमारे जिस टाइम सेल आपका एक सेल से, लेट्स सपोज आपका ये एक सेल है, ये आपने डिवाइड होना है दो सेल्स के अंदर, एक सेल की डिवीजन के दौरान दूसरे दो सेल्स में इसके तमाम जेनेटिक मटेरियल, आपके सेल की तमाम इंफॉर्मेशन भी कॉपी होती है। इसके अंदर बेशुमार चीज़ें होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियस होगा, वो क्रोमोसोम वो न्यूक्लियस हर चीज़ डिवाइड होगी, एज वेल एज स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर आपके जेनेटिक मटेरियल हैं जिसके अंदर आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो सेंट्रोसोम आपके इस जगह के ऊपर मौजूद एक स्पिंडल फाइबर से दो स्पिंडल फाइबर, आपके एक स्पिंडल फाइबर से दो स्पिंडल फाइबर के अंदर डिवीजन में मदद करता है, एक नए स्पिंडल फाइबर की प्रोडक्शन में ये मदद करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि आपके सेंट्रियोल्स का क्या फंक्शन है, तो सेंट्रियोल्स आपके जो छोटे ऑर्गेनेलिस हैं, मीन कि आपके वो ऑर्गेनेलिस जो कि हमें माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, उनकी बॉडी के अंदर सीलिया और फ्लैजेला बनाने में मदद करता है। सीलिया जो है वो हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और फ्लैजेला भी
आपके हमारे माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिजम्स की टेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे फिश की टेल होती है वैसे ही जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी में मौजूद होते हैं सीलिया और फ्लैजेला, जो कि उनकी मूवमेंट में मदद करते हैं ऑर्गेनिज्म की। इसके अलावा अगर खाना है, खाने को डिटेक्ट करने में, खाने को कैप्चर करने में भी इनका जो है इनका फंक्शन मौजूद होता है।